नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं किसी भी बाइक का ये टायर कैसे बदलते हैं, चेंज कैसे करते हैं और पंचर कैसे बनाते हैं इसके बारे में। इसको खोलेंगे और साइड में हमारा नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे ये लॉक नट है। इसको हम खोल देंगे और इसको आसानी से निकालने के लिए आप चाहे तो ये ब्रेक के वायर भी खोल दे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसका कवर, ब्रेक कवर, तो आसानी से ये चक्का हमारा निकल जाएगा बाहर। वो आपकी मर्जी है ये ब्रेक वायर खोलने की, लेकिन इसको खोलना जरूरी है। आप देख सकते हैं इसमें, इस नट में 17 नंबर की चाबी लगेगी और इसके साथ ये लॉक जो नट है इसमें 13 नंबर की चाबी लगेगी। शायद दूसरे बाइक में और भी चाबी लगता हो, लेकिन इसमें 17 नंबर की और 13 नंबर की चाबी लगेगी। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। देख सकते हैं हमने ये नट खोल दिया और ये लॉक नट हमने यहाँ पे ये खोल कर बाहर निकाल दिया। हमने ब्रेक भी ये खोल दिया। अब इससे एक्सो बोल्ट को हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए हमें दूसरे साइड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरे साइड से इसको बाहर खींचेंगे तो ये हमारा चक्का निकल जाएगा। और दूसरे साइड से हम देख सकते हैं इसको बाहर मैंने हम निकाल दिया, थोड़ा सा बाहर खींच कर, और इसका ब्रेक कवर है वो हम ऐसे निकाल देंगे। अब देख सकते हैं ब्रेक कवर आसानी से निकल गया। अब ये जो हमारा चक्का है वो आसानी से निकल जाएगा बाहर। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बाहर ऐसे निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं हमने ये बाहर निकाल दिया। आपको बस ध्यान रखना है जिधर हमारा ये लॉक फंसने वाला होता है इसको हम नीचे रखेंगे और ये जो ब्रेक ड्रम है इसको हम ऊपर रखेंगे। तो नीचे रखने के लिए नीचे सबसे पहले हम कपड़ा रखेंगे नीचे। आप देख सकते हैं हमने ये कपड़ा रख दिया। अब इसके नीचे हम ऐसे इसको रख देंगे ताकि नीचे कुछ घिसे ना। आप देख सकते हैं नीचे कपड़ा और ये ब्रेक ड्रम है इसको हम ऊपर रखेंगे तभी इधर से हमारा टायर खुलेगा। तो इसके पहले हम इसका हवा निकालेंगे। उसके पहले हम आपको देसी औजार के बारे में समझा देता हूँ कैसे देसी औजार आप बनाकर घर पे ही ये काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो टायर खोलने वाले रड हमने बनाया है। तो इसको कैसे बनाना है आप देख सकते हैं, ये गर्म करके बिल्कुल लाल करके इसको पेचकश की तरह थर लेना है, इन्हें पीट लेना है और इसके मुख पे थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। आप देख सकते होंगे ये हमने टेढ़ा किया है। अब ये भी दोनों इसी तरह सेम टू सेम इसको गर्म करके इसको थोड़ा सा मुंह पे टेढ़ा करेंगे ताकि टायर का जो कोर है वो हमको ये इस टेढ़े पे पकड़ेगा तभी हमारा टायर बाहर निकल पाएगा। तो ये दोनों हमने घर पे ही बनाया है। आप भी कोशिश करिए बनाकर अपने घर पे ही ये सब काम कर सकते हैं, पंचर बना सकते। इस ट्यूब के निपल को, इसके निपल के अंदर भाल रहता है जो हम भाल को खोलने के लिए हमने ये चाबी बनाया है। आप देख सकते हैं ये एक नट है, इसको हम बीच से लोहे काटने वाले आरी से काट दिया हूँ और इसको हमने दो भाग इसके अंदर कर दिया हूँ ताकि अंदर हमारे ये भाल फंस जाता है और इसको घुमाने के बाद भाल खुल जाता है। तो इस तरह आप घर पे बनाकर अपने घर पे ही अपने बाइक का रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये ढक्कन खोला और इसके अंदर हम ऐसे फंसाएंगे, तो हमने इस तरह इसको फंसा कर और इसको घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, हमारा भाल बाहर आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भाल हमारा बाहर आ चुका है। आपको दिखा देते हैं, इसमें ये कट रहता है आगे की तरफ, इसको इसी में ये फंस जाता है। तो इस तरह ये हमारा भाल पकड़ के खोल देता है। अब तो आप देख सकते हैं हमने भाल खोल दिया। अब इसको हम, इसके अंदर एक नट रहता है, आप देख सकते हैं ये नट, इसको हम खोलेंगे।
अब देख सकते हैं हमने ये खोल दिया। अब ये सब खोलने के बाद हम टायर को थोड़ा थोड़ा ये अंदर की तरफ दबाएंगे, क्योंकि ये सट जाता है, चिपक जाता है अंदर, तो खोलने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको दबा देंगे ताकि आसानी से ये टायर हमारा खुल जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमने दबा दिया, ये पूरा छोड़ दिया है। अब इसको हम देसी औजार, हमने जो बनाया था औजार, उससे हम इसको खोलेंगे। इससे आपको दिखाते हैं कैसे खोलना है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेढ़ा वाला भाग है, आप देख सकते हैं टेढ़ा है, ये टेढ़ा वाला भाग हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी टायर को पकड़े और इसको टायर के अंदर ऐसे कोर पे हम लगा देंगे। ऐसे हमने लगा दिया। और दूसरा जो हमने औजार बनाया है, इसको भी टेढ़े वाले को अंदर ही रखेंगे टायर की तरफ, और इसको भी हम ऐसे फंसा देंगे। इस तरफ फंसा दिया और दोनों को हम बाहर की तरफ खींचेंगे। और फिर दूसरे साइड भी ऐसे हम लगाएंगे इसको। अब देख सकते हैं टायर खोल चुका है। अब इस ट्यूब को अंदर से हम बाहर निकालेंगे। इस ट्यूब के निपल को हम अंदर कर देंगे। हम देख सकते हैं ये ट्यूब हमारा बाहर निकल चुका है। टायर को निकालने के लिए हम ऐसे पहिए खड़ा करेंगे, और जिधर से हमारा टायर बाहर नहीं निकला है उस कोर को हम बाहर निकालेंगे। तो ऐसे चाबी को आप देख सकते हैं, ये जो टेढ़ा है इसको रिंग की तरफ रखेंगे, और जो इधर सेम गोल टाइप का है उधर हम टायर की तरफ रखेंगे, और इसको दूसरे कोर पे हम ऐसे लगा देंगे, रिंग में इसका टेढ़ा फंसा देंगे और इसको ऐसे करेंगे। दूसरे चाबी को भी सहारा लेंगे हम। अब देख सकते हैं हमने टायर निकाल दिया, दूसरा टायर इसमें हम लगाएंगे। अब देख सकते हैं हम ये टायर लगाएंगे और इसको ऐसे फंसाएंगे रिंग पे। इसका हम पहला कोर रिंग पे चढ़ाएंगे, उसके बाद ट्यूब लगा के दूसरा कोर चढ़ाएंगे। इसको पहला कोर हम चढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं पहला कोर अंदर आ चुका है, ये दूसरा कोर बाहर है अभी, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम अब ट्यूब लगाएंगे। सबसे पहले इस ट्यूब का हम निपल लगाएंगे। अब ट्यूब को ना कटे इसलिए हमको अब क्या करना है, ये जो गोल टाइप का जो है, जिधर हमारा गढ़ा है उधर हम रिंग की तरफ रखेंगे, और गोल टायर, ये गोल जो है ये हम टायर की तरफ रखेंगे, तभी हमारा ट्यूब इसमें पकड़ेगा नहीं और कटेगा नहीं। तो इस तरह हम इस तरह लगाकर करेंगे। अब ये जो निपल है हमने यहाँ से खोला था, इसको हम इस चाबी के सहारे टाइट कर देंगे। ये ब्रेक वाले है, इसको हम अंदर फंसाएंगे। ये लॉक है, इसको उधर ही रखेंगे। ये ब्रेक है, इसको इधर ही रखेंगे और इसको ऐसे हम फंसाएंगे। ये आसानी से खुल जाता है और फंस जाता है। तो इस तरह हम फंसा कर, और दूसरे साइड ये गोटी दिया हुआ है, इसको अंदर हम इसमें गोटी के साथ गोटी मिलाकर फंसा देंगे। उसके बाद एक बीच में ये रहता है गोटी, इसको हम यहाँ पे लगाकर, और हेक्स बोल्ट को हम अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर। अब उसके बाद हम नट टाइट कर देंगे।
अब इसके लॉक में हम पहले ये लॉक लगाएंगे, ये पत्ती जो हमारा टाइट होता है इसको लगाकर 13 नंबर की बोल्ट हमने इसमें टाइट कर दिया। अब 17 नंबर की चाबी से हम ये बोल्ट टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।